संघ के पूर्व प्रवक्ता एमजी वैद्य के बयान से मचे बवाल के बाद बीजेपी खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने एमजी वैद्य के बयान के बाद लिखित बयान जारी किया है। पार्टी के मुख्यालय में प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी का बयान पढ़ा। गडकरी ने अपने लिखित बयान में एमजी वैद्य के बयान से सीधे सीधे किनारा कर लिया है। गडकरी ने लिखा है कि ब्लॉक की बातें सभी बातें बेबुनियाद है। गडकरी ने कहा कि पूरी पार्टी एकजुट है और नरेंद्र मोदी के साथ है। तमाम विवादों के बावजूद गडकरी ने कहा है कि गुजरात चुनाव में जीत बीजेपी की ही होगी। तो नितिन गडकरी ने एक लिखित बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि एमजी वैद्य ने जो अपने ब्लॉग में लिखा है वो तमाम बातें बेबुनियाद हैं। पार्टी पूरी तरह से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और इस बार एक बार फिर नरेंद्र मोदी की ही गुजरात में जीत होगी। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने और क्या कहा अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस पूरे वक्तव्य का सार यह है कि एक मराठी ब्लॉग वरिष्ठ पत्रकार श्री एमजी वैद्या को लेकर काफी चर्चा है, जिसके संबंध में कई अखबारों में भी खबरें छपी हैं। इस ब्लॉग का सार यह है जिसमें भाजपा के एक एमपी की टिप्पणियों को गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। पार्टी इस पूरे आरोप को बहुत ही स्पष्ट रूप से अस्वीकार करती है, क्योंकि ये बेबुनियाद है। पूरी भाजपा, इसके सारे नेता, सारे मुख्यमंत्री एकजुट हैं और एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए सामूहिक रूप से कार्य कर रहे हैं। पूरी पार्टी गुजरात के चुनाव में एक भाव से और संकल्प के साथ काम कर रही है और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में पार्टी को गुजरात के चुनाव में भी निर्णायक विजय प्राप्त होगी। तो चुनावों के मद्देनजर पार्टी नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है, लेकिन गुजरात के मुखिया नरेंद्र मोदी पर संघ के पूर्व प्रवक्ता एमजी वैद्य ने जो निशाना साधा है उससे सियासत यकीनन गर्मा गई है। संघ से लेकर बीजेपी तक खलबली मची हुई है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी पर संघ के पूर्व प्रवक्ता एमजी वैद्य ने इशारों इशारों में संगीन आरोप लगाए हैं। एमजी वैद्य ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि गडकरी के खिलाफ चल रही मुहिम का केंद्र एपिसेंटर गुजरात है और गुजरात का मतलब है कि गडकरी के खिलाफ चल रही मुहिम की शक की सुई नरेंद्र मोदी की तरफ जाती है। एमजी वैद्य ने मोदी पर निशाना साधने के लिए जेठमलानी के बयान को आधार बनाया है। राम जेठमलानी ने नितिन गडकरी से तो इस्तीफा मांगा था पर मोदी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के लिए बीजेपी की तरफ से मुख्य उम्मीदवार होने चाहिए। नरेंद्र भाई मोदी बीजेपी के गद्दावर नेता। पार्टी के भीतर तो मोदी के खिलाफ आवाजें उठती रही हैं, लेकिन मोदी के ऊपर सबने सीधा निशाना साधने से हमेशा परहेज किया। लेकिन संघ के पूर्व प्रवक्ता एमजी वैद्य ने जेठमलानी के बयान के जरिए इशारों इशारों में ही सही, लेकिन मोदी पर ऐसा हमला बोला है कि अब बवाल मच गया है। घोटाले के आरोपों से सिंहासन हिल गया है गडकरी का और मोदी की हो रही है चारों तरफ तारीफ। लेकिन क्या ये कोई साजिश है? क्या गडकरी से इस्तीफा मांगना भी एक साजिश है? और क्या इस साजिश के पीछे हैं नरेंद्र मोदी? संघ के पूर्व प्रवक्ता एमजी वैद्य ने आशंका जताई है कि गडकरी के खिलाफ इस्तीफे की साजिश के पीछे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकते हैं। इसके लिए एमजी वैद्य ने बीजेपी सांसद राम जेठमलानी के बयान को आधार बनाया है। एमजी वैद्य ने अपने ब्लॉग पर लिखा है कि राम जेठमलानी का सार्वजनिक तौर पर बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी का कार्यकर्ता या सांसद गडकरी से इस्तीफा मांग सकता है, लेकिन ये बात पार्टी स्तर पर करनी चाहिए। गडकरी से इस्तीफा मांगते वक्त जेठमलानी ने कहा था कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। 2012 में 2014 की बात करना बेमानी है।
एक शख्स जो गडकरी से इस्तीफे की मांग कर रहा हो, साथ में मोदी के लिए प्रधानमंत्री पद की वकालत भी कर रहा हो, उसकी मंशा पर शक लाजमी है। शक होता है कि गडकरी के खिलाफ चल रही मुहिम का केंद्र गुजरात है और संशय की सुई नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा करती है। इसके बाद भी जब संघ के पूर्व प्रवक्ता का मन नहीं भरा तो कैमरे के सामने भी जेठ मलानी और मोदी पर सीधा वार किया। मैंने उसमें यह बताया कि राम जेठमलानी जी ने एक ही सांस में गडकरी जी का इस्तीफा मांगा और मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर करके पुरस्कृत करो ऐसी भी मांग की। ये दोनों मांगे एक साथ आने के कारण मैंने ये लिखा कि संशय की सुई गुजरात की ओर जाती है। ये मेरा वैयक्तिक मत है। राम जेठमलानी अपना मत रख सकते हैं तो मुझे भी अपना मत रखने का अधिकार है। संघ के पूर्व प्रवक्ता ने मोदी पर वार तो कर दिया लेकिन पीछे घूम कर नहीं देखा। देखते तो समझ आता कि मोदी पर निशाना साधने वाले वो अकेले हैं। संघ ने उनके बयान से पूरी तरह किनारा कर लिया तो बीजेपी ने भी इस मामले में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। एमजी वैद्य साहब ने ये बात कही है कि जितना भी कुछ अब तक नितिन गडकरी साहब के लिए जो कंट्रोवर्सी हुई है, आरोप लगे हैं, उसके पीछे जो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी है, उन्होंने जो है नहीं, मैंने उनका कोई ब्लॉग देखा नहीं है, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। बीजेपी और संघ ने तो चुप्पी साध ली लेकिन कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह भला कैसे चुप रहे थे? उन्होंने धीरे से चुटकी ले ही ली। सर एमजी वैद्या जो कहे हैं बीजेपी और संघ दोनों ने नकार दिया लेकिन जो उन्होंने बातें कही वो क्या लग रहा है, क्या कह रहे थे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए सब कर रहे हैं? बात यह है कि मोदी जी क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, संघ की नजर है। हालांकि एमजी वैद्य से संघ ने पहले ही किनारा कर लिया था, बीजेपी भी उनके ब्लॉक बवाल पर शांत ही है, लेकिन ये जरूर है कि गुजरात चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र मोदी के खिलाफ उठ रही इन आवाजों से चुनाव में पार्टी को नुकसान तो पहुंच ही सकता है। अशोक सिंघल के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। तो पार्टी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के साथ है, ऐसा पार्टी का कहना है, लेकिन क्या ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा? और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, पार्टी कह रही है पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के साथ है लेकिन अगले महीने चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले इस तरह का बवाल जो उठा है, पार्टी के पास और कोई चारा नहीं था? और हम दो चीजें साफ हैं, एक तो इससे एमजी वैद्या के बयान से साफ हुआ कि जो उन्होंने ब्लॉग लिखा उसका ब्लॉग पर टिके रहे और बयान से उसको जस्टिफाई करते रहे, उससे ये साफ हो गया कि संघ का एक खेमा ये मानता है। हालांकि संघ ने इससे दूरी बनाने में कोई देरी नहीं लगाई थी, संघ ने तुरंत कह दिया था ये उनका निजी बयान होगा। बीजेपी ने भी, आपको बीजेपी के बयान को ध्यान से सुने तो बीजेपी ने कहा वरिष्ठ पत्रकार एमजी वैद्या उनके ब्लॉग की बात कर रही है, तो जाहिर है बीजेपी और संघ को यह लग रहा है कि अगर इस मामले को ज्यादा तूल दिया गया तो ये भारी पड़ सकता है पार्टी के लिए, क्योंकि गडकरी को लेकर पार्टी को लेकर काफी पार्टी मुश्किल में पड़ी हुई है, क्योंकि लगातार उनको हटाने की मांग चल रही थी पार्टी के भीतर भी, उसको बड़ी मुश्किल से शांत किया गया ही था कि उस बीच ये मांगो एमजी वैद्या का ये बयान आ गया, तो जाहिर है मुश्किल है पार्टी के लिए, क्योंकि जो परसेप्शन होता है पार्टी का भ्रष्टाचार को लेकर, खासकर अंदरूनी कलह को लेकर, उसको दूर करना पार्टी के लिए काफी जरूरी था। शायद इसीलिए आनंद फानंद में नितिन गडकरी को बयान देना पड़ा है और संघ को भी उनके बयान से किनारा करना पड़ा है।